लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती चल रही है। प्रत्याशी लोकसभा का टिकट पाने के लिए साम दाम दंड भेद सबका उपयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अभी लोकसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी नहीं की है। मौजूदा सांसदों की सांसें अटकी है, किसको टिकट मिलेगा किसका कटेगा किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन कानपुर देहात की अकबरपुर लोकसभा से बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले लोकसभा चुनाव का टिकट जेब में होने का दावा कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको कानपुर देहात की 44 अकबरपुर लोकसभा की सूरत हाल बताएं, जरा अकबरपुर लोकसभा से बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले का बड़बोलापन सुन लीजिए। सांसद देवेंद्र सिंह भोले दावा कर रहे हैं कि आगामी लोकसभा का टिकट उनकी जेब में है और मोदी जी, योगी जी और शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद भी उन्हें मिल चुका है। सांसद देवेंद्र सिंह भोले यही नहीं रुके बल्कि अपने बड़बोलेपन की दलील भी दे डाली। कहा कि मैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखता। दरअसल 2014 में भाजपा ने देवेंद्र सिंह भोले को पहली बार अकबरपुर लोकसभा से चुनाव लड़ाया। देवेंद्र सिंह भोले ने जीत हासिल की, जिसके बाद 2019 में देवेंद्र सिंह भोले ने बीजेपी के टिकट पर दोबारा जीत दर्ज की। मौजूदा समय में बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले की उम्र लगभग 70 साल है और वो आए दिन अस्वस्थ भी रहते हैं और भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने 70 पार वाले प्रत्याशियों के टिकट काटने का पहले ही संकेत दे दिए हैं। बावजूद इसके भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले खुद ये दावा करते नहीं थक रहे। अब देखने वाली बात ये होगी कि 70 साल के हो चुके देवेंद्र सिंह भोले पर 2024 के चुनाव में दाव लगाती है या फिर इस लोकसभा से कोई नया चेहरा उतारती है। देखिए, मैं सुदेव जनता के लिए रहता हूँ जी, और तैयारी पूरे तरीके से, कल ही अगर चुनाव में वोट पड़ना होगा तो एक एक बूथ पर वोट कल पड़ेगा, क्योंकि जितना काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2014 में एक बहुमत ला करके सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, अब केवल विकसित भारत का संकल्प, और जो कहा है गारंटी, मोदी की गारंटी, वह मोदी की गारंटी के रूप में 2047 में भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत आर्थिक तौर पर बनेगा, जिसे 11 सितंबर 1893 को जिसकी कल्पना स्वामी विवेकानंद ने 17 साल की उम्र में की थी और जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बढ़ाने काम किया था, उसे आखिरी परचम पर, मतलब जल थल और नभ तक पहुंचाने काम हमारे दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप रिपीट के लिए तैयार हैं? मैं सदैव तैयार था, आज भी तैयार हूं। टिकट भी मेरे जेब में है, पार्टी का आशीर्वाद मेरे साथ है, माननीय मोदी जी का आशीर्वाद है, पूरे भाजपा का आशीर्वाद है, नेतृत्व का आशीर्वाद, मैं कभी मुंगेरीला सपने नहीं देखा। कानपुर देहात से प्रातः दर्पण न्यूज के लिए सुनील कुमार गौतम की रिपोर्ट।